प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुलर से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाना बताएंगे। तो ये गुलर का पेड़ है, ये देखिए कितना बढ़िया फरी हुई है गुलर। तो जितना हमें जरूरत है उतना हम गुलर तोड़ लेते हैं। गुलर हमने तोड़ लिया है, ये देखिए गुलर में बहुत से विटामिन पाए जाते हैं। गुलर सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। गुलर आपको हर जगह मिल जाएगी। गुलर तोड़ते समय बहुत ही सावधानी से तोड़िए, नहीं तो पता चले कि आप पेड़ से गिर जाएं, फिर बाद में आपको हरजोड़ की पकौड़ी खाना पड़े। इससे पहले हमने हटजोड़ की पकौड़ी का वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। ये देखिए इसमें से दूध निकल रहा है। तो गुलर हम तोड़ लेते हैं, एक एक करके अलग कर लेते हैं। तो सभी गुलर हमने अलग कर दिया डंठल से, ये देखिए। अब इसमें पानी डालेंगे और बढ़िया से धुल लेते हैं, दोनों हथेलियों से बढ़िया से रगड़ कर धुल लेते हैं। अब इसको दूसरे बर्तन में रख लेंगे, ये देखिए एक बार और पानी से धुल लेते हैं। अब गुलर को काट लेते हैं दो भाग में, ये देखिए बिल्कुल मुलायम है, अभी छोटी छोटी गुलर है। ये बड़ी होने के बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो आप जब भी बनाइए गुलर की रेसिपी छोटे में ही बनाइए। ये देखिए थोड़ा बड़ी थी गुलर, तो इसमें कीड़े पड़ गए हैं, ये देखिए नज़दीक से दिखा रहे हैं। तो इसे हम फेंक देते हैं। आप जब भी गुलर की रेसिपी बनाइए तो इस तरीके काट कर और चेक करके बनाइए। तो सभी गुलर हम काट कर तैयार कर लेते हैं। सभी गुलर हमने काट लिया है, अब इसमें पानी डाल देते हैं। अच्छे से हमने धुल लिया है, अब प्रेशर कुकर में दो सीटी तक पका लेंगे। गुलर में पानी डालकर दो सीटी तक पका लेते हैं। गुलर में हम इतना पानी डालेंगे कि गुलर डूब जाए। अब ढक्कन लगा देंगे, दो सीटी पक चुकी है, प्रेशर कुकर की गैस निकालेंगे। गुलर बढ़िया से पक गया है, चेक करके दिखा रहे हैं, ये देखिए आसानी से मैश हो रहा है। तो इसको दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। अगर गुलर को बिना उबाले बनाएंगे तो अजीब सा लगेगा, बाकसपन लगेगा, उबालने से इसमें का बाकसपन खत्म हो जाता है। तो सभी गुलर हमने थाली में निकाल लिया है, ये देखिए इसमें का पानी का कलर किस तरीके हो गया है। सभी गुलर ये देखिए हमने थाली में रख लिया है। मसालों में एक चम्मच धनिया ले लिए हैं, थोड़ा जावित्री ले लिए हैं, थोड़ा दालचीनी है, एक बड़ी इलायची, आधा चम्मच जीरा है, 8-10 दाने काली गोल मिर्च है, ये स्टार फूल है, 1/4 चम्मच जायफल ले लिए हैं, 1 लाल तीखी मिर्च ले लिए हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और भी मिर्च डाल सकते हैं। 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च डालेंगे, ये तीखी नहीं होती है, इससे कलर बढ़िया आएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। सभी मसालों को पीस लेंगे, थोड़ा तेज पत्ता ले लिए हैं, 1 बड़ी साइज प्याज ले लिए हैं, 5-6 कलियाँ लहसुन ले लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, अभी इनको काट लेंगे महीन। मसाला हमने पीस लिया है, ये देखिए। आइए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुकी है, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, तेल को चारों तरफ फैला देते हैं। अब उबली हुई गुलर डाल देते हैं, गुलर को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम में इसे फ्राई करना है। गुलर बढ़िया से फ्राई हो गया है, ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। सभी गुलर हमने निकाल लिया है, ये देखिए तेल काफ़ी गर्म है, तेज पत्ता डालेंगे, कटी हुई प्याज डाल देते हैं, प्याज को थोड़ा भून लेते हैं 2 मिनट तक।
प्याज बढ़िया से भून गई है, कलर चेंज हो गया है। अदरक डाल देते हैं और लहसुन डाल देते हैं। अदरक और लहसुन हमने महीन काट कर कूट लिया था, इनको भी बढ़िया से भून लिए हैं। इसमें कच्चापन खत्म हो गया है। अब पीसे हुए मसाले डाल देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि मसाला जले ना, बढ़िया से भून जाए। मसाला बढ़िया से भून गया है। दो मीडियम साइज टमाटर हमने काट लिया था, इसको भी डाल दिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अच्छे से मिला देते हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, दो मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं ताकि टमाटर बढ़िया से पक जाए। दो मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे। टमाटर बढ़िया से पक गया है, ये देखिए। इस तरीके हम मैश कर देते हैं। अच्छे से हमने टमाटर मैश कर दिया है। अब फ्राई किया हुआ गूलर डाल देते हैं। गूलर भी बढ़िया से मिला देते हैं। अब हम पानी डाल देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अगर आप रसेदार पसंद करते हैं तो पानी ज़्यादा डालिए, और गाढ़ी पसंद करते हैं तो कम डालिए। अब दो मिनट के लिए ढक देते हैं। दो मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे। गूलर की सब्जी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। ऊपर ऊपर तेल दिख रहा है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। एक बार इस तरीके गूलर की सब्जी जरूर से जरूर बनाइए, नॉन वेज खाना भूल जाएंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, साथ में हेल्दी भी है। तो गूलर की रेसिपी बनके तैयार हो गई है, नज़दीक से दिखा रहे हैं, ये देखिए। अब इसे हम चावल और रोटी के साथ सर्व करेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। गूलर आपको हर जगह मिल जाएगी। गूलर तोड़ते समय बहुत ही सावधानी से तोड़िए, नहीं तो पता चले कि आप पेड़ से गिर जाएं, फिर बाद में आपको हरजोड़ की पकौड़ी खाना पड़े। इससे पहले हमने हटजोड़ की पकौड़ी का वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। ये देखिए गूलर की सब्जी कितना बढ़िया दिख रही है। जितना दिखने में अच्छी दिख रही है, उससे कई गुना खाने में टेस्टी बनी है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, इसलिए कि हमने खड़े मसालों का प्रयोग किया है। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। हमारी रेसिपी शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाउल में गूलर की सब्जी निकाल लेते हैं। हम यहाँ चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे, आप पूरी पराठा के साथ सर्व करिए। जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो उसके साथ खाइए। हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।